नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। गुजरात चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में करीब 80 घंटे का वक्त अभी बाकी। बीजेपी और कांग्रेस ताबड़तोड़ रैलियों में लगे हुए थे, लेकिन गुजरात के पहले फेज का प्रचार ओखी तूफान के चक्रव्यूह में फंस गया है। आखिर कैसे ओखी तूफान ने कांग्रेस और बीजेपी के इरादों पर पानी फेर दिया, ये रिपोर्ट देखिए हमारी। उद्योगपतियों ने श्री नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग की। ये गुजरात में चुनाव से पहले कबोबेश हर पार्टी के स्टार प्रचारक का आसमान से जमीन पर उतरने का अंदाज है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक और अमित शाह से लेकर हार्दिक पटेल तक गुजरात में हर नेता धुआंधार प्रचार कर रहा है, लेकिन कुछ वक्त के लिए चुनाव कैंपेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। गुजरात की आवाम और अपने भाषणों से उनका दिल जीतने की हर कोशिश कर रहे राजनेताओं के बीच एक खलनायक आ गया। जिस विलेन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसे वैज्ञानिक ओखी के नाम से पहचानते हैं। 150 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से तबाही मचाने वाले इस खतरनाक तूफान के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि इसकी आहट भर से किस तरह गुजरात चुनाव में सन्नाटा छा गया। यहां दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली होती, पार्टी कार्यकर्ता जमा हो, समर्थन करने वाले कार्यकर्ता भी तालियों की गड़गड़ाहट से शाह का स्वागत करते, लेकिन फिलहाल यहां खाली कुर्सियों और पंडाल के सिवा कुछ नहीं है। यह असर खलनायक ओखी का ही है। दरअसल केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से होते हुए ओखी तूफान अब गुजरात की ओर बढ़ चला है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आज रात के वक्त कभी भी ओखी तबाही मचा देने वाला तूफान बन जाएगा और राज्य के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। लगभग मुंबई से 230 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे केंद्रित है और सूरत से आप पकड़ेंगे तो ये लगभग 390 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे केंद्रित है। अभी इसका जो विंड स्पीड है ये लगभग 80-90 एमपीएच है और हमारा उम्मीद है कि ये धीरे धीरे, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ऐसे ही गति करेगा और आज रात को सूरत के पास गुजरात कोस्ट को अतिक्रम करेगा। अभी ओखी पूरी तरह से गुजरात में पहुंचा तक नहीं है, लेकिन इसकी आहट का ही नतीजा कि सूबे में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं धीमी थी। मौसम की इसी मिजाज ने चुनाव प्रचार को थाम दिया। आमतौर पर चुनाव नेता और जनता के बीच उम्मीदों का खेल होता है। जहां तक बात की जाए तो जनता के उम्मीदों पर पानी चुनाव के नतीजों के बाद फिर जाता है, जब नेता अपने वायदों से मुकर जाते हैं। और अगर बात की जाए चुनाव के पहले तो नेताओं की उम्मीद होती है कि जनता उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है, लेकिन मौसम की खुमारी ने ऐसी करवट बदली है कि गुजरात में होने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर ये समझिए कि बड़े बड़े नेताओं की रैलियां रद्द कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि ओखी के चलते कहां कहां किस किस नेता को रैली रद्द करनी पड़ी है। आज अमित शाह राजुला, महुआ और सीहोर में रैली कर, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोरबी, सुरेंद्र नगर और धरांगधरा में चुनाव प्रचार करने वाले थे, लेकिन ओखी के चलते सभी रैलियां रद्द करनी पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित 4 रैलियां भी इस ओखी तूफान की वजह से रद्द करनी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, चक्रवात के गुजरात में पहुंचने की संभावना को देखते हुए राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि लोगों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे कार्यकर्ताओं को लोगों को हर संभव सहायता मुहैया करानी चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। सीएम विजय रूपाणी ने हालात की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। अगले 48 घंटों बाद पहले दौर के चुनाव प्रचार पर पाबंदी लग जाएगी, यानी पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सबकी चुनावी सभाओं पर ओखी ने पानी फेर दिया है। अरविंद शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, गुजरात, इंडिया न्यूज। तो ओखी ने नेताओं को बड़ी चिंता में डाल दिया है और इस ओखी तूफान के चलते कल गुजरात में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां भी रद्द कर दी गई।
आइए हम आपको दिखाते हैं कि कल प्रधानमंत्री की रैलियां कहां कहां होनी थी, जो इस ओखी तूफान की वजह से, जिसको हम खलनायक कह रहे हैं, रद्द हो गई है। धंधुका में अहमदाबाद में रैली होनी थी सुबह 9:30 बजे, जो कि रद्द हो गई। उसके बाद 12 बजे प्रधानमंत्री को दाहौद में एक रैली करनी थी, लेकिन ओखी की वजह से इसको रद्द कर दिया गया है। भरूच के नेत्रंग में 2:00 बजे एक जनसभा को संबोधित करना था प्रधानमंत्री को, लेकिन रद्द हो गई है। इसके अलावा 6:00 बजे सूरत पहुंचकर वहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस ओखी तूफान ने ये चारों रैलियां प्रधानमंत्री की रद्द करवा दी। अभी जो ओखी नाम है, ये कहां से आया है? ओखी तूफान का नाम बांग्लादेश का दिया हुआ है, जिसे बंगाली में आंख कहा जाता है, यानी निगाह रखने वाला। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ओखी तूफान ने कहां कहां तबाही मचाई हुई है। यहां आपको हम दिखाएंगे, तमिलनाडु के अलावा केरल, लक्षद्वीप और मुंबई में ओखी ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में अब तक 26 से ज्यादा लोगों की मौत इस ओखी तूफान की वजह से हो चुकी है। तमिलनाडु के 243, केरल के 250 और लक्षद्वीप के 1037 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, क्योंकि हमारी रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं लोगों को बचाने में। इसके अलावा मुंबई की अगर बात करें तो वहां पर स्कूल और कॉलेज ओखी के चलते बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन ये कदम उठाया गया है बीएमसी की तरफ से। बीएमसी ने जारी की 3 दिनों तक समुद्री तटों से दूर रहने की अपील, यानी कि एक एडवाइजरी दी गई है कि समुद्र के आप नजदीक न जाएं। सूरत के पास 63 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुजरात के लिए ओखी एक खलनायक बना है। ओखी के टकराने से पहले रेस्क्यू टीमें सूरत पहुंच चुकी हैं, इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बचाव में लगे नौसेना के जहाज, हेलीकॉप्टर, कोस्ट गार्ड के जहाज जो हैं वो बचाव में लगे हुए हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जो ओखी तूफान है इसका कम से कम इम्पैक्ट पड़े गुजरात में, लेकिन कम से कम नेताओं की रैलियों पर तो इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक ओर ओखी तूफान ने बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों पर पानी फेर दिया है, तो दूसरी ओर दलित नेता जिग्नेश मेवाणी बीजेपी की जीत के इरादों पर पानी फेर रहे और कांग्रेस की जीत के इरादों को अंजाम तक पहुंचाने की अपनी कोशिशों में टूटे हुए हैं। जिग्नेश मेवाणी कैसे बीजेपी को अपने चुनावी चक्रव्यूह में घेर रहे हैं, इस चीज को जानने के लिए इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर यतीन्द्र शर्मा ने उनसे बातचीत। गुजरात में बीजेपी सरकार को एक तिगड़ी कड़ी चुनौती पेश कर रही है, उस तिगड़ी में से एक मेरे साथ है जिग्नेश नटवरलाल मेवाणी। जिग्नेश, नए हुआ पूरी तरह से, पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आप जिस उद्देश्य के साथ इस मैदान में आए हो गुजरात सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो पूरा हो पाएगा? कितनी बड़ी चुनौती दे पाओगे? देखिए, ये चुनाव गुजरात की 6.5 करोड़ जनता बनाम भाजपा का है। जनता का जो गुस्सा है, जनता का जो आक्रोश है, वो इसलिए कि लोगों ने बहुत इंतजार किया। गुजरात के विकास का मॉडल आज नहीं तो कल डिलीवर करेगा, कल उन तक कुछ पहुंचेगा, विकास के फ्रूट्स उन तक आज नहीं तो कल पहुंचेंगे। 22 साल हो गए, ठेंगा मिला है, तो विकास के मुद्दे पर आगे ले जा रहे और हमारे सामने वो कम्युनल कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो उनकी यही राजनीति है। 4 साल 11 महीना विकास की बात करो, जब चुनाव का आखिरी महीना बाकी है तब हिंदू मुसलमान करवाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो बीजेपी आरोप भी लगा रही है, आप उनकी झोली में जाकर बैठ गए, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए, जिनको जनता ने पहले नकार दिया पूरे देश भर में कांग्रेस का। हम तो जनता की गोदी में जाकर बैठे, हम जनता के आदमी है, जनता के बीच में ही रहेंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में आ रही है तो अच्छी बात है ना, सारे लोग मिलकर भाजपा को गिराए, हम तो यही चाहते हैं। 22 साल से ये तानाशाही जो चल रही उसको खत्म करना है। एक सवाल और आता है, आप हार्दिक के साथ नजर आ रहे हो, पटेल और दलित समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हो, पिछड़ा बनाने की, वो आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन आरक्षण वहां पर आएगा तो यहां पर कम होगा, क्योंकि और कोई उसका प्रारूप अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया, तो ऐसे में कैसे एक साथ हो गए, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद भी है, मनभेद भी है। रहे ना मतभेद, हमारा तो मानना है कि मतभेद होने के बावजूद भी साथ बैठना चाहिए, भिन्न मत को लोकतंत्र में स्पेस होना चाहिए। मेरा सवाल है, क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए पाटीदारों को जो हार्दिक पटेल? सुनिए, हम तीनों उस मुद्दे पर साथ है कि गुजरात के विकास का मॉडल छलावा है और उसी मुद्दे पे हम साथ में रहकर संघर्ष करेंगे। रिजर्वेशन के मुद्दे पर आप कुछ नहीं बोलोगे? देखिए, रिजर्वेशन के मुद्दे पर यह कहेंगे कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन पहले जाति व्यवस्था खत्म हो, पहले अनटचेबिलिटी खत्म हो, हमको समानता दो। तमाम लोग आरक्षण को लेकर बात करते हैं, क्रीमी लेयर का जो आरक्षण है वो खत्म होना चाहिए और सच में जो जरूरतमंद है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर आपकी क्या? आरक्षण के इर्द गिर्द ही क्यों घूम घूम करते हैं? लोगों के पास भैया रोटी नहीं इस देश में, लोग कुपोषित है, पीने का पानी नहीं, उसकी बात हो। जिग्नेश, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और वो यहाँ पर चुनौती देने के लिए बीजेपी सरकार को खड़े हुए, भले चाहे उनकी सीटें आए ना आए, लेकिन उनका आंदोलन चलता रहेगा। कैमरामैन केडी के साथ यतीन शर्मा, इंडिया न्यूज, बड़गांव।
तो गुजरात चुनाव पर नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों और वादों पर जनता कितना यकीन करती है, ये बड़ा सवाल है।